साइबर क्राइम के माध्यम से अभी जो एक्सटोर्शन करके पैसे ऐंठने की जो नई मोडस ऑपरेंडी है जिसे हम सेक्सटोर्शन कहते हैं, कुछ अननोन नंबर से प्रार्थी के पास वीडियो कॉल आते हैं। वीडियो कॉल जो प्रार्थी उनको रिसीव करता है, बातचीत करता है, तो सामने से जो कोई भी व्यक्ति या पर्सन है वो न्यूड कंडीशन में उसके साथ कुछ वीडियोस बना लेता है, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेता है। उस स्क्रीनशॉट के बाद प्रार्थी को ये लोग ब्लैकमेल करते हैं पैसे देने के लिए। काफ़ी केसेस में ये होता है कि प्रार्थी घबरा जाता है, डर जाता है अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, तो काफ़ी सारे पैसे उन लोगों को लुटा देता है। आयुक्तालय जोधपुर में भी अभी काफ़ी निर्देश इसके बारे में, काफ़ी डायरेक्शंस जारी किए गए हैं स्पेसिफिक सेक्सटोर्शन के नाम से, कि किस तरह की जो घटनाएं हो रही है, अननोन नंबर से वीडियो कॉल आते हैं और फिर एक्सप्लोइट करने की कोशिश की जाती है और लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, ये घटनाएं ज़्यादा हो रही है। कमिश्नर जोधपुर में कमिश्नरेट के माध्यम से ये सभी को अवेयर करना चाहते हैं, अननोन नंबर से जो कॉल्स आ रहे हैं उन पर सावधानी बरतें, ऐसे कॉल्स रिसीव ना करें, उन्हीं व्यक्तियों से बातचीत करें जिनसे आप संपर्क में, जिनको आप जानते हैं। घटनाएं जब हो जाती है उसके बाद में ये रहता है कि तुरंत उस घटना की सूचना है पुलिस को दी जाए, ताकि जो आर्थिक हानि हो गई है उसको तुरंत है जो किसी बेनिफिशियरी अकाउंट में, जो मुलजिम का अकाउंट हो सकता है उसके अकाउंट में अगर पैसे गए हैं तो उस पर होल्ड लगाने की प्रोसेस करवाई जा सके। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं पेमेंट गेटवे के, उन सभी से अलग अलग प्रोसेस करवा के, उनको सूचित करवा के काफ़ी पैसे होल्ड करवाए जा रहे हैं लगातार, तो ये प्रोसेस। कल जो मामला आया उसमें क्या? कल वाले मैटर में भी यही है कि प्रार्थी को वीडियो कॉल आया अननोन नंबर से और सेक्सटोर्शन की घटना उसके साथ हुई। ये दिन की घटना थी, कल दिन की। प्रार्थी हमारे पास शाम को आया और जैसे ही हमारे पास आया तो विद इन वन आवर हमने उसकी सारी डिटेल्स शेयर करी, बैंक डिटेल्स, उसके फ़ोन नंबर, सस्पेक्टेड के फ़ोन नंबर, सस्पेक्टेड का बैंक अकाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑनलाइन जो हमारे डाटा बेस है उस पर डाली। और आज सुबह ये हमें कंफर्मेशन मैसेज मिल गया कि 1 लाख में से लगभग 90,000 रुपये जो उसका होल्ड हो चुका है, जो मुलजिम के पास नहीं गया है और अब शायद नहीं पहुंचेगा मुलजिम के पास। सर प्रथम दृष्टा क्या सामने लग रहा है कि जो फ्रॉड करने वाला आदमी कहाँ गया है, क्या इसमें किस तक कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पर? इसमें अभी तक जो पता चल रहा है अलग अलग गैंग्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों की हो सकती है। कल के केस में जो प्रार्थी के पास जो मोबाइल नंबर है वो दिल्ली के नंबर की सिम है। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि लोकेशन क्या है, कहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गैंग्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।